सो गाइस, यहाँ पर OnePlus 8T का यहाँ पर लॉन्च डेट रिवील हो चुका है, साथ में इसके बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन में लेके आए आप सबके लिए OnePlus 8T के रिगार्डिंग। तो अगर जानने के पहले अगर आप चैनल में नए आए हो तो यार एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में लेकर दबाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने से इस टाइम में डेली वीडियोज बना तो फायदे में रहोगे, सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हो OnePlus 8T के रिगार्डिंग। दोस्तों OnePlus 8T का सबसे पहले अपडेट आ रहा है इसके लॉन्च डेट को लेकर। दोस्तों यहाँ पर मैक जेन ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने ये बात बता दी कि OnePlus 8T लॉन्च हो रहा है 14 अक्टूबर को। OnePlus तब से OnePlus 8T को लॉन्च किया जा रहा है, एक ग्लोबल लॉन्च होने वाला है, बस इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबली ये स्मार्टफोन उसी दिन लॉन्च होगा ऑनलाइन इवेंट में, जैसे OnePlus Nord का लॉन्च इवेंट था सेम वैसे का लॉन्च इवेंट होगा। साथ में OnePlus 8T के साथ यहाँ पर OnePlus के पावर बैंक भी दिखने वाले हैं, OnePlus वॉच भी लॉन्च तो दिखने वाले और बहुत कुछ आ सकता है OnePlus तब से। तो फिलहाल वेट करते हैं, 14 अक्टूबर को OnePlus लॉन्च करने वाला है, तो एंड में हमें डेट मिल गया है। लेकिन बात करें इस डेट की, ये डेट अभी तक कोई भी OnePlus ने अनाउंस नहीं किया है, ये मैक्स जे के सोर्स ने बताया और उनकी जितने भी लीक्स है, मेरे को जितने लीक्स मिले उनके हिसाब से 14 अक्टूबर को आने वाला है OnePlus 8T। तो इसको पूरी तरह 100% कन्फर्म मत मानिए, 99% कन्फर्म मान सकते हो क्योंकि अभी तक OnePlus ने रिवील नहीं किया है। बात करें अगली अपडेट की, OnePlus 8T का यहाँ पर डिज़ाइन रिवील हो चुका था कुछ दिन पहले, ऑन लीक्स ने लीक किया उनके रेंडर से, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो उसका पूरा डिज़ाइन फ्रंट साइड में, जो डिज़ाइन हमें पहले से पता चल रहा था, सिंगल पंच होल कटआउट के साथ होने वाला है, फ्लैट डिस्प्ले होगा यहाँ पर हर जगह से, यहाँ पर आपको बेजल्स एकदम मिनिमल बेजल्स कर दिया गया है, यहाँ पर आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलॉइड डिस्प्ले होने वाली है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होने वाला है, ऑल प्रीमियम फीचर्स होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले होगा, ये थोड़ा चीप हरकत कर दी OnePlus ने। बैक साइड की बात करें, बैक साइड का डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, कैमरा का मॉडल उसको एशिया कैमरा मिलता है जो 2020 का ट्रेंड है सारे स्मार्टफोन में। OnePlus ने बहुत टाइम के बाद जाके अपने स्मार्टफोन में यहाँ पर डिज़ाइन का इतना ड्रास्टिक चेंज किया है, तो ये देख के अच्छा लग रहा है। अभी ये OnePlus ने ये डिज़ाइन कंफर्म कर दिया है, लेकिन इस डिज़ाइन के विजन मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले से आप सबको न्यूज़ तब से दे रहा था OnePlus 8T का, तब से मैं ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको बता रहा था, कुछ ऐसा डिज़ाइन के साथ आएगा, तो वो चीज़ सही निकली मेरा प्रिडिक्शन। तो इसी बात में यार वीडियो को लाइक करो, मेरे प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सही रहते हैं। तो कैमरा की बात करूँ, 40 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, सेकेंडरी यहाँ पर आपको 60 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, थर्ड लेंस यहाँ पर होने वाला है माइक्रो लेंस 5 MP का, और जो फोर्थ सेंसर होगा 2 MP का, कोई भी यहाँ पर आपको टेलीफोटो जूम लेंस नहीं मिलेगा, और ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन में कोई भी टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो ये बहुत बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है OnePlus तरफ से, एटलीस्ट टेलीफोटो लेंस देना ही चाहिए। फ्रंट कैमरे की बात करूँ, एज पर लीक्स 32 MP का सेल्फी शूटर यहाँ पर मिलने वाला है पंच होल डिस्प्ले के अंदर, 8 GB रैम होगी, 128 GB इंटरनल स्टोरेज होगी, 12 GB रैम होगी, 256 GB इंटरनल स्टोरेज होगी, कोई भी माइक्रो एक्सपैंड करने का स्लॉट नहीं मिलने वाला है, 3.5 mm का हेडफोन जैक का कोई भी स्लॉट नहीं मिलने वाला है, 4500 mAh बैटरी मिलेगी, 65 W फास्ट चार्जिंग मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 होगा, ऑक्सीजन OS 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन दिखने वाला है। प्रोसेसर की बात करूँ, प्रोसेसर में थोड़ा भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि स्नैपड्रैगन 865 होगा, सेम प्रोसेसर, कोई भी अपग्रेड नहीं होगा प्रोसेसर में, और कुछ बोल रही है क्योंकि OnePlus 8T है तो अपग्रेड होगा, स्नैपड्रैगन 865 प्लस होगा, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कर रहे हैं। फिलहाल ज़्यादा जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो 865 के साथ ही आ रहे हैं, तो हो सकता है 865 हो, क्योंकि क्वालकॉम ने इस साल अपने प्रोसेसर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो OnePlus झिझक रहा है थोड़ा, तो फिलहाल वेट करते हैं। बहुत लोग मैं से पूछे थे कि इसमें IP रेटिंग होगी, फिलहाल जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके हिसाब से IP रेटिंग शायद से नहीं होगी, 50-50 चांसेस है IP रेटिंग होगी क्या नहीं होगी। साथ में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी नहीं दिखने वाला ऐसा बताया जा रहा है, तो ये बहुत सारे डील ब्रेकर्स बन जाते हैं। अभी सैमसंग चौका मारने वाले, क्योंकि सैमसंग के तरफ से सैमसंग S20 फैन एडिशन आने वाला है, तो वो ये सब चीज़ में बेस्ट है, उसका मैं अलग से वीडियो बना चुका, आप जाकर चेकआउट में चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन थी OnePlus 8T के रिगार्डिंग, आपको क्या लगे OnePlus 8T के ये जितने फीचर्स है, कॉमेंट में मुझे बताओ कि आप अभी भी वेट कर रहे हो OnePlus 8T का, कॉमेंट में मुझे बताओ आपके जितने भी थॉट्स है सब लिख दो कॉमेंट में, डाउट वीट सब क्लियर मैं करूँगा, आपको कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, तो कॉमेंट करो यार। साथ में इस वीडियो को लाइक करो, 150 लाइक का टारगेट है, बस लाइक करके जाना यार। चैनल में नए आए अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में लेकर दबाओ, वीडियो सेंडेशन आपको मिलने चाहिए। मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेकिंग इमरान, तो इस तरह से मैं फिर से हाजिर हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।